आमतौर पर वैसे तो कई बार सुनने और देखने में आता है कि ग्राम पंचायतों में विकास कार्य को लेकर लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार होता है और कार्य भी पूरे नहीं होते हैं। लेकिन अगर बात की जाए मध्य प्रदेश के धार की, तो यहाँ ग्राम पंचायत मानकी के सरपंच के कार्य को देखकर ऐसा लगता है कि आज भी ईमानदारी से काम करने वालों का वजूद खत्म नहीं हुआ है। इस पंचायत के सरपंच राम कुंवर इंद्र सिंह पटेल ने अपनी लगन और ईमानदारी से काम करके क्षेत्र की जनता का दिल जीत लिया है। इन्होंने ग्राम पंचायत में आई सरकार द्वारा विकसित राशि से लोगों की मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ सीसी रोड, आंगनवाड़ी भवन, प्रधानमंत्री आवास जैसी तमाम सुविधाओं से यहां की जनता को खुश कर दिया है। इन्हीं कारणों से यहां के सरपंच लंबे समय से अपने सरपंच पद पर बने हुए हैं। ऐसे ईमानदारी से काम करने पर बदनावर विधायक भंवर सिंह शेखावत भी योगदान देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। आपकी पंचायत कलेक्टर द्वारा पुरस्कृत की गई, इस पर क्या कहेंगे आप? जैसे विकास कार्यों का नतीजा है और माननीय विधायक मोदी जी के मार्गदर्शन में हमने अक्सर लोगों को दिल जीतने का काम किया है, तभी कहीं हमें जाके पुरस्कार मिला है। और आगे भी हम बेहतर कार्य करने का प्रयास करेंगे और अच्छा कार्य कर सके सभी के सहयोग से। आपका नाम? इंद्र सिंह पटेल, ग्राम पंचायत मांगनी सरपंच। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धार जिले के बदनावर तहसील की ग्राम पंचायत माकनी की, जहाँ के विकास कार्य को लेकर 15 अगस्त को धार कलेक्टर श्रीमन शुक्ला ने भी पुरस्कृत किया है, जो पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। आज बदनावर विधायक भंवर सिंह शेखावत ने ग्राम पंचायत माकनी में 1,30,00,000 रुपए के विकास कार्यो का लोकार्पण किया। शेखावत ने भी सरपंच राम कुंवर इंद्र सिंह पटेल के कार्यो की जमकर तारीफ की और कहा कि हमारा काम जनता की ईमानदारी से सेवा करना है, जो कि यहाँ के सरपंच ने कर दिखाया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस पंचायत से दूसरी पंचायतों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए, ताकि जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिल सके और हम भी सहयोग राशि देने में पीछे नहीं हटेंगे। पटना विधानसभा में आपके आने पर जो विकास हुआ है, काफी बार जनता भी खुश है, क्या कहेंगे आप? नहीं, हम यही तो देने आज कहने आए जनता को कि 3.5 साल और कांग्रेस के 40 साल दोनों को मिलाइए, आज जो विकास हम जो कह रहे हैं वो आपको सड़क पे दिखाई देगा। हम हवाबाजी में भाषण देने नहीं रहे जनता के बीच में। हमने जितने विकास कार्य गिनाए हैं वो सब जनता को समर्पित हैं, चालू हैं और उन पे कार्य चल रहा है। तो अगला जो विधानसभा जो आ रहा है उसमें आपकी जीत पक्की मानते हैं? नहीं, हमारी जीत जनता की जीत होती है, मेरी काय की जीत है। ये जनता ने निर्णय किया था, आज देखिए चारों तरफ विकास हो रहा है, अगली बार भी जनता अपना फैसला करेगी। ये चुनाव तो हमको पार्टियों की विचारधारा को लेकर जाना होता है, फैसला तो जनता का, जीत भी जनता की, हमारी काय की जीत है, ये बदनावर की जनता की जीत है। इस मौके पर बीजेपी के तमाम छोटे नेता भी मौजूद थे।